हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है विजय और मैं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल गीगाबाइट ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी है और आपकी जमीन एमपी में है तो फ्रेंड्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपनी जमीन का खसरा और खतौनी नकल कैसे निकाल सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अपनी जमीन का नक्शा भी निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, खसरा किसी जमीन का रिकॉर्ड होता है जिसके द्वारा हम उस जमीन से जुड़ी हुई सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही आप फ्रेंड्स खसरा नंबर डालते हैं उस जमीन से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपके सामने आ जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स अब देख लेते हैं कि खसरा नकल कैसे निकालना है। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको किसी ब्राउजर में चले जाना है। ब्राउजर में जाने के बाद फ्रेंड्स आपको टाइप करना है भूलेख एमपी आपको टाइप करके सर्च कर लेना है। या फ्रेंड्स सबसे पहली जो वेबसाइट निकल के आ रही है मध्य प्रदेश भूलेख, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस प्रकार का इंटरफेस निकल के आएगा। तो फ्रेंड्स आपको कहीं भी अभी लॉगिन नहीं करना है। यहाँ फ्रेंड सबसे पहले जो ऑप्शन निकल के आ रहा है भूलेख, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यस कर लेना है। यस करते ही फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद फ्रेंड्स आपकी जो भी तहसील हो उस तहसील को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो भी गाँव हो आपको यहाँ पे गाँव सिलेक्ट कर लेना है। गांव सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपको आपके पास यहां पे तीन ऑप्शन निकल के आएंगे जहां फ्रेंड्स आप लैंड ओनर, खसरा नंबर या प्लॉट नंबर से आपकी खसरा नकल निकाल सकते हैं। तो यहां पे फ्रेंड्स आप मैं खसरा नंबर सिलेक्ट करूंगा। आपके पास खसरा नंबर तो होगा ही। तो यहां पे फ्रेंड्स आपको आपका खसरा नंबर सिलेक्ट कर लेना है। खसरा नंबर सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको यहाँ पे कैप्चा एंटर करने का ऑप्शन आ जाएगा। कैप्चा आपको यहाँ पे एंटर करना है। कैप्चा एंटर करने के बाद नीचे आपको व्यू डिटेल पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं फ्रेंड्स नीचे बहुत सारे एक ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। तो आपको फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे जो लैंड पैरसल डिटेल का ऑप्शन आ रहा है इस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इस खसरे से जुड़ी हुई सभी डिटेल निकल के आ चुकी है। जहाँ पे ये लैंड का टाइप बता रहा है, रिकॉर्ड का ईयर बता रहा है, फ्रेंड्स यहाँ पे कितना एरिया इस जमीन का है और फ्रेंड्स सभी चीज़ें यहाँ पे निकल के आ चुकी है। अगर फ्रेंड्स ये खसरा नंबर किसी खतौनी से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि एक खतौनी के अंदर जितने भी खसरे हैं वो यहाँ पे निकल के आ चुके हैं। आप जिस भी खसरे की डिटेल निकालना चाहते हैं उसके लिए फ्रेंड्स आपको इधर व्यू खसरा ऑप्शन मिल जाएगा। फ्रेंड्स आप जिस भी खसरे की डिटेल निकालना चाहते हैं आपको उस आई के सामने यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करते हैं फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स आपकी खसरा डिटेल निकल के आ चुकी है। इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि स्पेसिमेन कॉपी लिखा हुआ है। इसका मतलब फ्रेंड्स ये है कि ये एक तरह की ओनली कॉपी है। आपकी डिटेल यहाँ पूरी निकल के आ चुकी है। जहाँ पे फ्रेंड्स आपका नाम, फादर नेम, सभी तरह की डिटेल यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। नीचे फ्रेंड्स आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इसका अगर आप प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं फ्रेंड्स आपको आगे बता देता हूं कि यहां पे इसके बारे में क्या नोट दिए गए हैं। जैसे कि यहां पे लिखा हुआ है कि दिस फॉर्म इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि फ्रेंड्स ये कॉपी सिर्फ एप्लीकेंट की इंफॉर्मेशन के लिए है। इट कैन नॉट बी यूज्ड बी एविडेंस इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी फ्रेंड्स किसी भी सरकारी काम के अंदर आप इसको यूज नहीं कर सकते। फॉर डिजिटली साइन कॉपी प्लीज अप्लाई थ्रू IT सेंटर LSK एंड MP ऑनलाइन, यानी कि फ्रेंड्स अगर आप किसी सरकारी काम के लिए कॉपी चाहते हैं तो आपको किसी IT सेंटर, लोक सेवा केंद्र या MP ऑनलाइन की शॉप पर जाकर कॉपी को निकलवाना होगा, क्योंकि फ्रेंड्स वहां पे आपसे कुछ चार्ज लिया जाएगा। उस चार्ज के बाद ही आपको ओरिजिनल कॉपी मिल पाएगी। उस कॉपी का आप यूज किसी भी सरकारी काम के लिए कर सकते हैं। फॉर करेक्शन इन एंट्रीज कॉन्टेक्ट द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट तहसील ऑफिस, यानी कि फ्रेंड्स अगर यहाँ पे कोई गड़बड़ आपको दिखाई देती है या कि आपका नाम या किसी भी चीज में करेक्शन दिखाई देता है तो आपको फ्रेंड्स आपकी तहसील या जिला पंचायत में संपर्क करना होगा। इसके बाद वापस से फ्रेंड्स आपको होम पेज पे आ जाना है। होम पेज पे आने के बाद फ्रेंड्स इसी प्रकार अगर आप किसी और खसरे को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको आई पे टैप करके खसरे को निकाल लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आप खतौनी डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि फ्रेंड्स आप B1 B2 जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको खतौनी का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पे आपको क्लिक कर लेना है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी खतौनी निकल के आ चुकी है। आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि इस खतौनी के अंदर कितने खसरे हैं, ये सभी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। और नीचे फ्रेंड्स आपको इसका भी प्रिंट का ऑप्शन यहाँ से मिल जाएगा जहाँ से आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि हमें नक्शा कैसे डाउनलोड करना है। तो नक्शा डाउनलोड करने के लिए फ्रेंड्स आपको लास्ट में व्यू मैप का एक ऑप्शन मिल जाएगा। व्यू मैप पे भी फ्रेंड्स आपको आई पे टैप कर लेना है। आई पे टैप करते ही फ्रेंड्स एक PDF डाउनलोड आपका हो जाएगा। नीचे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पे एक PDF डाउनलोड हो चुका है। मैं इसे यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लूंगा। ओपन करते ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा नक्शा आ चुका है। फ्रेंड्स आप जिस भी प्लॉट का नक्शा निकाल रहे हैं उसका नंबर अलग से यहाँ पे दिया होगा और उसके आसपास जितने भी खसरे लग रहे हैं उनका भी नंबर यहाँ पे शो हो चुका है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से और आसान तरीके से हमने नक्शे को डाउनलोड कर लिया है। इसका प्रिंटआउट अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप यहां से प्रिंट पे जाकर प्रिंटआउट दे सकते हैं। इस प्रकार फ्रेंड आप आसानी से मध्य प्रदेश की किसी भी जमीन का खसरा खतौनी और नक्शा डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार आपके लिए अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू। जय हिंद।